ओम शांति। सभी हमारे सुख शांति के कनेक्शन के भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से बहुत बहुत या स्वीकार। उधर से दिखाई देने चाहिए ना, हमारी आदरणीय नेहा दीदी जी, अमर दीदी जी और लोटस वाली हमारी दीदिया, सभी जो भी दीदिया हैं सभी को हमारी बहुत बहुत, और भाई लोगों को भी दिल से मधुबन तपोभूमि से याद प्यार स्वीकार हो। तो आज का हमारा विषय है, बहुत ही सुंदर विषय जो वर्तमान समय का आवश्यकता है, कि मनोबल से मनसा सेवा कैसे करें। अभी जितने भी समर्पित भाई बहने हैं, टीचर्स हैं, जो सेवा पर आगे हैं निमित्त, उनके पास मनसा सेवा करने का साधन तैयार होना जरूरी है। क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में ये मनसा सेवा बहुत बढ़ेगी। तो मनसा सेवा ही क्यों बढ़ेगी, उसका मैं थोड़ा सा आपके सामने स्पष्टीकरण देता हूं। एक माँ है, उसकी बच्ची बीमार है, बहुत सीरियस है, वो अंतिम सांसें गिन रही है, उसकी माँ उसको बचाना चाहती है और डॉक्टर सारे तैयार है ट्रीटमेंट देने के लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी। वो कहते हैं हमें चांस दो, हम ठीक करते हैं। अभी किसको चांस दे कि वो माँ, उसकी मम्मी, क्योंकि बच्ची सीरियस है। नेचुरोपैथी वाला कहेगा 1 मास लगेगा, होम्योपैथी वाला कहेगा 15 दिन लगेगा, एलोपैथी वाला सीधा इंजेक्शन लेके इंजेक्शन देगा, दवाई शरीर में फैलेगी और उसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो ऐसे आगे आने वाले समय में अनेक माया के पेशेंट आएंगे, तो शक्तिशाली संकल्प के इंजेक्शन से उनको हमें शांति शक्ति देनी होगी। आप कहेंगे ये राजयोग का अभ्यास करो, कोर्स करो, कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं। तो कहने का मतलब है कि मनसा सेवा बहुत करनी होगी। अभी हमारी दादियां मनसा सेवा करती है तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, और हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा संकल्प आता है कि पता नहीं मुझे मिलेगी सफलता या नहीं मिलेगी। तो ये संकल्प क्यों आता है? इस संकल्प आने के 2 कारण हैं। दादियों को क्यों सफलता मिलती है और हमें कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, उसका कारण पहला है हमारा मनसा सेवा करने का साधन उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल चाहिए। ये पहला कारण। और दूसरा कारण, मनसा सेवा करने के जितने हमारे पास अनुभव होने चाहिए उतने अनुभव नहीं है जितने दादियों के पास हैं। तो अनुभव भी अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अभी सवाल उठता है कि हमारी दादियां जो है, जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने मनसा सेवा करने का साधन कैसे प्राप्त किया है, ये सोचने की बात है। तो हमारी दादियों ने क्या किया, यज्ञ में जब दादियां आई उन्होंने बहुत हड्डी हड्डी मेहनत की,
हड्डियां यज्ञ में स्वाहा किया, जितनी हड्डी सेवा की उनके बाद उनके वाणी में वीणा बजने लगी, बोल में बल आने लगा। उसके द्वारा उन्होंने बहुत सेवा की, ज्ञान रतन बहुत बांटते रहे, बहुत बांटते रहे, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते रहे। उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई। कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचाओं के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों की सेवा आत्माओं की हम कर सकते हैं। तो अभी मनसा सेवा करना माना होल सेल स्पिरिचुअल बिजनेस मेंटेन करना, केवल गुजरात वाइड नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड भी नहीं, वर्ल्ड वाइड हमें स्पिरिचुअल बिजनेस मेंटेन करना है, एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए ऐसी पावरफुल स्थिति हमें बनाना है। तो कहने का भाव है कि खूब जितना हमें चांस मिलता है, हड्डी सेवा खूब करना है, वाचा सेवा खूब करना है, अभी थोड़ी मार्जिन है वाचा कर्मणा सेवा करने के लिए। थोड़े समय के बाद, दो चार साल के बाद वो भी खत्म हो जाना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है 2 वर्ष पहले, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में आप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, ये बाबा के बोल है। इसलिए अभी जो हमें चांस मिलता है खूब सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, वाचा सेवा करो, खूब सेवा करो और दुआएं जमा करो, और दुआएं हमारी असली कमाई है। संगम युग में दुआओं को जमा करना है, और टीचर बनना माना अपना भाग्य तथा अनेकों का, स्टूडेंट्स का भाग्य बनाने की जिम्मेदारी टीचर्स पर है, समर्पित भाई बहनों पर है। इसलिए ये मनसा सेवा का साधन मेरे पास होना चाहिए। कैसी भी साधना मुझे करनी पड़े, लेकिन ये बेहद सेवा करने का साधन मेरे पास होना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प हम सभी को करना है। देखो सेवा में सभी बिजी हैं, सभी बिजी हैं, लोटस वाले, अपने सुख शांति वाले, चारों तरफ सभी सेंटर वाले, वो बिजी तो है, बिजी रहना ही है, लेकिन बिजी रहते हुए हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, ये लक्ष्य हमारा हो। क्योंकि हम सारा दिन भागते रहते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, थक जाते हैं और योग पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा ने हमें ये चांस दिया है बैठकर योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए। ये कोरोना तो एक निमित्त कारण है, लेकिन बाबा ने हमें ये चांस दिया है कि बहुत सेवा में भागते हो, अभी बैठकर तपस्या करो और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, क्योंकि आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बहुत आने वाली है। ये तो कुछ नहीं, इसके इससे भी बड़ी परिस्थितियां आने वाली है। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मेरी स्थिति पावरफुल होना जरूरी है। स्थिति हमेशा एक बात कभी भी नहीं बोलना है ब्राह्मण जीवन में, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। तो मुझे बाबा के पास आने के बाद
सेवा के खिलौने से खेलते खेलते बहुत अच्छी स्थिति योग की बनाना है, ये हमारा लक्ष्य हो। अभी ये मनसा सेवा करने का साधन कैसे जमा करना है, इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। मनसा सेवा करने के लिए दो बातें होना चाहिए, बहुत अच्छी पावरफुल योग की स्थिति और दूसरा बहुत अच्छी पवित्रता की स्थिति, मानसिक पवित्रता की स्थिति। क्यों? क्योंकि पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा तक हम शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। वो क्षमता ऐसे पवित्र और शक्तिशाली संकल्प में होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये दोनों बातों को जमा करना है। मानसिक पवित्रता मेरी बहुत अच्छी हो और योग की शक्ति भी मेरी बहुत अच्छी हो। अभी ये दोनों बातों से पांच बातें जुड़ी हुई है। ये पांच बातों पर अगर हम दिल से अभ्यास करते हैं तो मनसा सेवा का साधन हमारा बहुत अच्छा बनता जाता है। पहली बात, सफल मनसा सेवा करने के लिए हमेशा भाई भाई की दृष्टि के द्वारा पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन। जैसी ब्रह्मा बाबा की दादियों की पवित्रता की स्थिति थी, ऐसी मुझे भी बनाना है। और उसके लिए भाई मैं आत्मा भाई जो सामने आता है वो भी आत्मा भाई, इसके द्वारा हम बहुत अच्छी स्थिति बना सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मेरे बुद्धि में केवल एक बाबा हो, दूसरा कोई ना हो। तो ये स्थिति को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है। प्यार से सभी के साथ रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं हम। लेकिन दिल का प्यार, सच्चा प्यार, जिगरी प्यार केवल एक बाबा से, अंदर से करना है। दूसरी बात, सफल मनसा सेवा करने के लिए सदा स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करें। सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है। हम सभी होनहार राजे महाराजे बैठे हैं यहाँ इस सभा में, जो बैठे हैं ना सभी राजे महाराजे, कोई भी साधारण नहीं है। लेकिन सतयुग में त्रेता युग में राजे महाराजे बनेंगे, और भी क्या करना है, मैं आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर बैठकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वयं का राजा अनुभव कर रहा हूं। तो स्वमान धारी रहने से क्या होगा, आत्मा में बहुत शक्तियां है, सुसुप्त शक्तियां है, सोई हुई शक्तियां है, डॉर्मेंट स्टेज में वो शक्तियां है। जैसे जमीन में कोई कोयले की खान होती है, गोल्डन माइन होती है, या अभ्रक की खान होती है, वो अंदर है, उसको खोदना पड़ता है। वैसे अनेक आत्माओं में बहुत शक्तियां हैं, उनको बाहर लाने का एक ही साधन है। कौन सा? स्वमान में रहना।
एक स्लोगन हमेशा याद रखना, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। अनुमान कोई भी संशय अपने पर, हनुमान माना उंगली पर पत्थर उठाने पहाड़ उठाने वाला कितना शक्तिशाली होगा, ऐसा शक्तिशाली स्थिति वाला हनुमान अगर हमें बनना है तो स्वयं पर पूरा निश्चय करना है और समान ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से समान रहता था नेचुरल कि मैं नारायण बनने जा रहा हूं, मैं कन्हैया बनने जा रहा हूं। प्रकाश मणि दादी जी ने लास्ट में जाते जाते कहा, केवल दो शब्दों को धारण करो दादी जैसा बन जाओगे। कौन से शब्द है वो दो? स्वमान और सम्मान। बस इसको धारण करो, सदा स्वमान में रहो, ऊंची शान में रहो, ऊंचे नशे में रहो और सबको सम्मान दो। जो भी आता है मेरे सामने, छोटा हो बड़ा हो, सबको रिगार्ड से देखना है, सम्मान देना है। तो ये क्या हो करेगा, आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जगाएगा और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, संकल्प शक्तिशाली बनते जाएंगे। अब तीसरी बात, मनसा सेवा करने के लिए हमें चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 8 घंटा योग का अभ्यास करना है। बैठ के जरूरत नहीं, बैठ के सवेरे शाम 1-2 घंटा करना है, लेकिन सारे दिन भर में सेवा सिवा सेवा सिवा। बस तीसरी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है, या तो सेवा या तो शिवा बाबा की याद, ये दो ही बातें मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि सारा दिन हम सेवा में लगे रहते हैं, तो किसके सेवा में? शिवा के सेवा में, बाबा के सेवा में। तो बस धुन लगी रहे, तांत लगी रहे, क्योंकि मुझे 8 घंटा अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते बैठते। अगर अभी हम अपने चार्ट को देखेंगे तो 3-4 घंटा जरूर होता है, लेकिन उसको हमें और बढ़ाना है। अभी 8 घंटा बाबा मुरली में कहते हैं, इसके पीछे क्या भाव है ये हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले ये सोचना है कि 8 घंटा हो सकेगा या नहीं। बाबा मुरली में वही बातें कहते हैं जो बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे बच्चों में कितना दम है, कितनी पावर है, वो अच्छी तरह से जानता है। हम कर सकते हैं, लेकिन 8 घंटा ही क्यों? उससे कम नहीं चलेगा, उससे जास्ती चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। उसका कारण क्या है? छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में मैं सर्विस करता हूँ, बहुत अच्छी फैक्ट्री में मेरी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, 50,000 मुझे तनख्वाह मिलता है, मेरी फैमिली है, किराए का मकान है, उसको टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, 45,000 खर्च हो रहा है, बचा कितना? केवल 5। कमाया 50 और बचा 5। तो 8 घंटे के द्वारा जो हम योग की शक्तियां जमा करते हैं वो हमें अपने ही लिए चाहिए। जो सारे दिन भर में हम संकल्प करते हैं, कितना हजारों संकल्प करते हैं, 1 मिनट में 13 से 15 संकल्प करते हैं, कम से कम हजारों संकल्प करते हैं, उससे बहुत ऊर्जा खर्च होती है अपने लिए। तो बचत का खाता तब होता है जब 8 घंटे से ऊपर हो जाता है। ये हमें लक्ष्य रखना है, संभव जरूर है। तो मनसा सेवा करने के अगर हम सचमुच सपने देखना चाहते हैं या सफलता पूर्वक करना चाहते हैं तो इस बात पर हमें ध्यान देना है।
और समर्पित भाई बहनों के लिए तो छोटी सी बात है, घर में रहने वालों को थोड़ी कठिन है लेकिन समर्पित वालों के लिए सहज है। और अभी चौथी बात, मनसा सेवा सफलता पूर्वक करने के लिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति को निखारते जाना। हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता हमें जरूर बनना ही है और वो एक आंतरिक स्थिति की यादगार है। फरिश्ता की दो निशानियां हैं। पहली निशानी है मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी हुई है, ये अनुभव करना। और दूसरी बात, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने मेरे सारे रिश्ते केवल बाबा के साथ है, भगवान के साथ है, कोई भी रिश्ता देहधारियों के साथ नहीं है। तो फरिश्ता, फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं, और वासियों के साथ भगवान के साथ सारे रिश्ते, उसको कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता कभी भी फंसता नहीं है, उसकी बुद्धि हमेशा फ्री रहती है, उड़ता रहता है और सेवा करता रहता है। तो सारे दिन भर में हमें ऐसी फरिश्ता स्थिति को निखारते जाना है। ये केवल अभ्यास की बात है। हम 87 में मधुबन निवासी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा ने मुरली के बाद हम बच्चों से कहा कि देखो मधुबन में तो सिंपल काम करते हैं आप, भोजन बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, ये करना है, ये सारे सिंपल काम करते हैं आप, लेकिन काम भले साधारण हो लेकिन स्थिति आपकी बहुत ऊंची हो। खिड़की से दरवाजे से कोई भी आपको अगर देखें तो उनको लगे ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये तो बहुत महान विभूतियां हैं, ऐसा वो आपको देखकर अनुभव करें। लेकिन वो कब होगा? कर्म भले साधारण करो लेकिन स्थिति हमारी ऊंची होना जरूरी है। तो ये अभ्यास हमें करना है, स्थिति को मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्थिति बनाना ही है पावरफुल, भले सेवा कुछ भी हो। देखो मधुबन में मेरा आने का लक्ष्य यही था, सेवा मुझे कुछ भी मिले उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे स्थिति बनाना है, इन चार दीवारों के बीच में रहकर स्थिति बनाना है। मैं मधुबन में गया ना 76 में, तो मैं देखने के लिए बहुत सिंपल लगता था, भोला लगता था। मुझे दादी ने कहा, दीदी मनमोहिनी जी ने कहा, जाओ किचन में, भोली दादी को जरूरत है। बोला ठीक है, गए हम मधु बोली दादी के साथ सेवा करने लगे, तो लोग कहने लगे इतना तुम पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री लेके और किचन में सेवा कर रहा है, ये सिंपल सेवा। अब मन में थोड़ा लगता तो था, लेकिन क्या हुआ, एक साल के बाद बाबा से मिलना हुआ पर्सनल बाबा के रूम में, मधुबन के रूम में, जहां गधे रखी है ट्रांसलेट के बाजू में, वहां बाबा आए थे और बाबा के सामने मैं बैठा था, पर्सनल मुलाकात सबसे हो रही थी। तो मुझे बाबा ने कहा खुश हो? मैंने कहा नहीं, भगवान है तो क्या हुआ, हमारा बाप है जो अंदर है वो मैंने बोल दिया। मैंने कहा नहीं बाबा खुश नहीं। बाबा ने कहा क्या बात है,
मैंने कहा बाबा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मुझे इन्होंने किचन में सेवा दी है, मुझे सारा दिन किचन में झाड़ू पोछा ये वो सब कुछ लगाना पड़ता है। तो बाबा मुस्कुराए, अच्छा बाबा ने कहा मधुबन में बच्चे केवल दो बातों के लिए आते हैं जो कहीं नहीं मिल सकते हैं दुनिया में, मधुबन में केवल दो बातों के लिए बच्चे आते हैं। पहली बात डायरेक्ट परमात्मा से मधुर मिलन मनाने के लिए आते हैं, और दूसरी बात डायरेक्ट महायज्ञ का ब्रह्मा भोजन मधुबन में मिलता है। सेंटर है यज्ञ और महायज्ञ है मधुबन। तो जितने भी आत्माएं यहाँ आती है उनको जब योग युक्त भोजन मिलता है, उनकी स्थिति का स्तर ऊंचा उठता है, तो उनकी जो कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा परसेंटेज भोजन बनाने वालों के नाम पर ऑटोमेटिक अकाउंट पर ट्रांसफर होता है। अब ये बात मेरे दिमाग में लाइट कर गई और मेरा किचन से लगाव हो गया। मैंने कहा बैठे बैठे मक्खन मिल रहा है, छाछ के पीछे क्यों भागे। तो मतलब मेरा कहने का भाव यही है, कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। तो फरिश्ता स्थिति माना, हम यहां बैठे हैं और सारे विश्व में जहां आवश्यकता है वहां उड़ते हुए जाकर वहां की आत्माओं की सेवा करते रहे, इस अभ्यास को बढ़ाना। क्योंकि हम केवल गुजरात सेवाधारी नहीं है, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा या बच्ची मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। तो ये बेहद की सेवा करने के लिए बेहद का फरिश्ता स्थिति, भाई गुजरात के बाहर तुम्हें बॉर्डर में नहीं आ सकते ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। सारी दुनिया में कहीं पर भी आप उड़ के वो जाते हैं और सेवा कर सकते हैं। हदे देह उल्टा है हदे, हम देह से परे गए फरिश्ता स्वरूप में गए तो कोई हद नहीं है, सारा विश्व ही मेरा घर है मेरा परिवार। ऐसी बेहद की भावना हमारे मन में आती है और ऐसे बेहद की सेवा में हम टिकने जाते हैं। ये चौथी बात है। और पांचवी बात, मनसा सफल करने के लिए सेवा, बाबा ने कहा किसी भी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना न, 99 के प्रति पॉजिटिव है लेकिन एक के प्रति निगेटिव है तो भी काम नहीं चलेगा। मनसा सेवा करने के लिस्ट से बाहर, बापरे बापरे इतनी बड़ी बात बाबा क्यों कह रहे हैं। भाई मन सभी के प्रति पॉजिटिव भावना कैसे हम रखेंगे। अभी जिस जो व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, मेरी ग्लानी करता है, मेरी अपमान करता है, उस व्यक्ति के प्रति कैसे मैं पॉजिटिव भाव रखूंगा। कभी कभी हर एक मन में प्रश्न आता है, लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में थी। कोई भी आत्मा मेरे सामने आए, किसी की कमी मुझे नहीं देखना है, उसका वर्तमान स्वरूप मुझे नहीं देखना है, उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी तो पावन बनकर आई थी और अंतिम स्वरूप देखना है, जब ये जाएगी तो पावन बन के जाएगी। तो आदि और अनादि और अंत का स्वरूप देखेंगे तो हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव रहेगा ही नहीं। यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना होना। तो ये थोड़ी सी बात बड़ी तो है लेकिन उसको हमने धारण करना है। बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, बड़ा जो होता है वो क्षमा भाव उसके पास होता है, छोटी मोटी कमी होती है वो। मैंने प्रकाश मणि दादी जी से ये सीखा, बस दादी कहती थी बस फ्री हो जाओ छूट जाओ इससे, एकदम किसी में लटको नहीं,
फ्री हो जाओ, सबसे क्षमा करो, फ्री रहो, सबके प्रति शुभ भावना रखो। ये पांच बातों पर अभ्यास करना है। अभी मनसा सेवा करने की तीन विधियां हैं। ड्रामानुसार आज की मुरली भी मनसा सेवा पर ही चली। हाँ निया दीदी जी, टॉपिक आपने ये रखा तो अमर बहन जी सेवा, वो टॉपिक मुरली भी बाबा की आज इसी पर चली। तो तीन विधियां है इसकी सेवा करने की। एक बात हमें स्पष्ट करना है कि मनसा सेवा करना अर्थात अपने जेब से कुछ खर्च नहीं करना है, बाबा के पास सागर के कंठे पर बैठना है, बाबा से माल लेना है और सारे विश्व की आत्माओं को बांटना है। बस यही काम करना है हमें, इधर से लेना इधर देना। जो दातापन की जो सेवा है, दातापन का संस्कार है, वो हमें भविष्य में राजा महाराजा का सिंहासन जरूर दिलाएगा। तो पहली विधि है निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जहां पर भी हम जा रहे हैं ना, घर में, दार में, ऑफिस में, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ऐसा अभ्यास करना है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से, ज्ञान की किरणें, शक्तियों की किरणें, फाउंटेन मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा चारों फैल रहा है। ये अभ्यास गुप्त ही गुप्त अंदर से अंदर करना है। फिर आप कहीं पर भी जाओ, बैंक में जाओ, ऑफिस में जाओ, किसी को मिलने जाओ, वह अनुभव करेगा ये कोई दिव्य शक्तियां हैं, इनके पास में कोई महान विभूतियां हैं। क्योंकि आपका ओरा तो ही है, लेकिन बाबा से सकाश लेके आप अपने द्वारा चारों ओर फैला रहे गुप्त ही गुप्त, वो प्रभाव जरूर डालता है। वो भी संपर्क में आते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है, उनको वो अनुभूति होती है और वो वाइब्रेशन हम फैलाते रहते हैं। हम मैं आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती हूं। अगरबत्ती तो खुशबू लकड़ी से भी आता है, अगरबत्ती के से, लेकिन जब जलती है ना तो बहुत खुशबू देती है। तो मैं आत्मा जलती कब हूं, बाबा से कनेक्शन जोड़ती हूं तो यहां योग की अग्नि जगल जलती है और अगरबत्ती से खुशबू चारो। ऐसा हमें अनुभव करना है। ये विधि हो गई निराकारी आत्मिक स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। अब दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा करना। यहां बैठे हैं हम, कहीं पर भी बैठे हैं आप स्थूल लेते से, लेकिन मेरा अभी फरिश्ता स्वरूप इस शरीर से बाहर निकलकर हनुमान की तरह उड़ रहा है, एरोप्लेन की तरह उड़ रहा है और विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते हुए अनेक आत्माओं को सका देकर चारों फैल कर सेवा कर रहा है। तो बैठे हम यहां हैं, लेकिन हमारा फरिश्ता स्वरूप सेवा, जहां प्रॉब्लम आया, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, कुछ भी हुआ, वहां जाकर आया है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी मनुष्य दुविधा में, समस्या में फंसा जाता है, फंस जाता है, तो उसको भगवान का परिचय तो नहीं होता है, लेकिन सोचता है कोई फरिश्ता आ जाए, कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो वो हम फरिश्तों को आह्वान करता है और हमें वो सेवा करना है और सेवा करके बहुत दुआएं जमा करना है। जानकी दादी जी ने इतनी वर्ष तक तबीयत ठीक होते ना होते हुए भी इतनी सेवा की, इतनी आत्माओं को खुश किया। क्यों? संस्था की चीफ है, वो बात तो अलग है, सेवा करना है, लेकिन सेवा के द्वारा हजारों आत्माएं खुश हो रही है, उनकी दुआएं मिल रही है।
ये दुआओं का खाता ही हमारे साथ चलता है और कुछ बे नहीं चलता है, ये हमारी कमाई है। तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करना है। नुमा शाम के समय भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं देवताएं सुनुमा शाम के समय भ्रमण करते। भाई देवताएं कौन से हैं? हम जो बाबा के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चे हैं, देवता बनने जा रहे हैं, तो अमृत वेले योगाभ्यास के बाद या नुमा शाम में 6 और 8 के बीच में ऐसा भ्रमण करके हमें सारे गुजरात को, सारे भारत को, सारे विश्व को सकाश देना है, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहना है। तो ये सेवा गुप्त ही गुप्त करना है। और तीसरी विधि है परम धाम में बाबा के पास बैठकर विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा सेवा करना। बाबा कहते कुछ नहीं करो, मेरे बाजू में आके बैठ जाओ परम धाम में, मेरे से खजाने लेते रहो और सारे विश्व की आत्माओं को देते रहो, बस एक काम करते रहो। तो सवेरे शाम या जब भी टाइम मिलता है हमें ये बेहद की सेवा, विश्व कल्याणकारी सेवा, केवल तीसरा संडे होता है, वर्ल्ड योगा डे होता है, उस दिन नहीं, हर दिन जब भी फ्री है हमें ये सेवा करना है। इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, बंधन नहीं है। तो ये 3 प्रकार से हमें मनसा सेवा करना है। अब इसमें जितना हम अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना इसमें अनुभव बढ़ते जाएंगे, और जितना अभ्यास करते हैं उससे क्या होता है, मनसा सेवा जो हम करते हैं उससे क्या होता है, आत्माओं की दुआएं मिलती है, उससे क्या होता है, परमात्मा से शक्तियां लेने की क्षमता बढ़ती है। मैं पहले 500 रुपया कमाता था, अभी मैं 5,000 कमा रहा हूं, अभी मैं 50,000 कमा रहा हूं, अभी मैं 1,00,000 कमा रहा हूं। ये क्षमता कैसे बढ़ती है? जितना हम आत्माओं को दुआएं देते हैं, दान करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं हमारी क्षमता को बढ़ाती है और हम ये बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। तो हमें बेहद की सेवा में सदा रहना है। तो ये 3 बातें हैं। अभी मनसा सेवा कौन सी बातों के लिए प्रयोग कर सकते हैं? सब मेजॉरिटी टीचर्स बैठे हैं, समर्पित भाई बहने बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं 2-4 बातें सीक्रेट। डेली आपने 3-4 प्रयोग करना है, डेली सवेरे शाम। देखो सेंटर पर रहकर सेंटर का वातावरण चार्ज करके रखना जिम्मेदारी है सेंटर पर रहने वालों की, और सेंटर पर जो आने वाले हैं उनके द्वारा तपस्या करा के लेने की। मधुबन के पांडव भवन के गेट के अंदर जैसे पैर रखते हैं, ऐसा लगता है कहां पहुंच गए, ये दुनिया ही निराली है, बाबा की शीतल गोद में पहुंचे हैं, ऐसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण हमेशा चार्ज। तो हमारे सेवा केंद्र का वातावरण फुल चार्ज सदा रहे, इसके लिए मनसा का सेवा का प्रयोग हमें करना है डेली। उसके लिए क्या करना है? परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा है, मैं आत्मा उनके बाजू में बैठी हूँ, बाबा से सकाश मुझ पर आ रहा है, मेरे द्वारा सारे सेवा केंद्र को
मणिनगर का सेवा केंद्र है, लोटस हाउस सेवा केंद्र है, जो भी न्यू लोटस है, सबको स्थान पर हमें फोकस देना है। बहुत ऊर्जा बाबा से लेकर उसको फोकस करना है, कण कण को, हर स्थान को फुल चार्ज करना है। ऐसे लगे स्पिरिचुअल एसी यहाँ है। मकाने आजू बाजू में है होंगे, लेकिन ये कोई मकान नहीं है, ये भगवान का सेंटर है, भगवान का सेवा स्थान है, मंदिर है। तो वहां का वातावरण, इतनी चेतन देवी देवताएं वहां रहते हैं, इतना पावरफुल होना चाहिए, आप सोच सकते हैं। दूसरा प्रयोग कौन सा करना है? बाबा से सकास लेकर जो आपका सेवा क्षेत्र है, कोई भी सेवा क्षेत्र हो, वो सेवा क्षेत्र को आपको शावर करना है, अनेक आत्माओं को शावर करना है, क्योंकि लोग ब्रह्मा कुमारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, ये टीवी के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन हिम्मत नहीं है उनके पास यहाँ आने की। पता नहीं इनके नियम कैसे होंगे, पता नहीं कितना कठिन होगा इनका राजयोग, तो उनको पुश करना है, उनका आह्वान करना है, वो भगवान के पास आके अपना प्रभु प्रसाद लेके जावे, शांति शक्ति की वर्षे की अंजलि लेके जावे। इसलिए सारे एरिया को आपको शावर करना है। और तीसरा प्रयोग करना है, जो भी बाबा के घर सेंटर पर स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी आते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी आते हैं, उन सबको आपको इमर्ज करना है फुलवाड़ी को, राइट हैंड बाजू में, इधर बाप दादा है सूक्ष्म वतन में, बाबा से सकास आप पर आ रहा है और आपसे सभी स्टूडेंट्स पर जो घरों में रहते हैं उन पर जा रहा है। आप उनकी माँ है, आपकी जिम्मेदारी है उनका पालना करने का। तो वो ऐसा प्रयोग डेली 5-10 मिनट करेंगे, आपका सेंटर निर्विघ्न रहेगा, कोई स्टूडेंट इधर उधर की विघ्न की बात नहीं करेगा, बहुत अच्छा वातावरण रहेगा इस प्रयोग से। और चौथा प्रयोग क्या करना है आपको? मैं केवल गुजरात के लिए निमित्त नहीं हूं, सारे विश्व की सेवा में उपस्थित हूं, तो बाबा से सकास लेके सारे विश्व के ग्लोब को मुझे शावर करना है, क्योंकि अनेक आत्माएं शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, उनका रिसीवर ऑन है। मैं बाबा से लेकर दे रही हूं तो उनको ऑटोमेटिक मिल जाती है और उनसे द्वारा मुझे दिल की दुआएं मिल जाती हैं। ऐसा प्रयोग डेली करना है। दूसरी बात, मनसा सेवा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? बाबा अभी चाहते हैं विश्व की सेवा, तत्वों की सेवा करने के लिए मेरे योगी बच्चे मैदान में आवे, सामने आवे, क्योंकि तत्वों को पावन बनाने के लिए बहुत हमें योग बल चाहिए, पावरफुल स्थिति चाहिए। और इस सेवा में जितना हम हाथ बटाते हैं, डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हमें मिलती है, डायरेक्ट बाबा के। तो हमें क्या करना है? बाबा के पास बैठकर ये विश्व के ग्लोब को शावर करना है तत्वों के रूप में। या दूसरी विधि है, वो तत्वों को देव और देवी के रूप में इमर्ज करना है सूक्ष्म वतन में, बाबा से सकास लेना है। धरती देवी है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, इनको हमें देव देवी के रूप में देते रहना है और उनको सकास देकर पवित्र बनाने की सेवा हमें करना है। इसमें हमें योगदान जरूर देना है। तो बाबा कहते हैं ये तत्व सतयुग में पावन बने, जाने लायक बने, वो आपको ही सेवा करना है, क्योंकि आपने ही इनको पतित बनाया है। द्वापर युग से देवताएं वांग मार्ग में जाते हैं, तभी ये तत्व पावन पतित होना शुरू होते हैं। इसलिए हमें ये भी सेवा बहुत करना है। लेकिन जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा है, स्वयं की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए,
ये मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बाबा से सकास लेकर और चारों तरफ ऊर्जा फैलाते हैं तो एक सुरक्षा का कवच आपके चारों तरफ होगा, तो कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे इर्द गिर्द है। ये लाइट आत्मा का प्रकाश इतना पावरफुल है, कोई मुझे स्थूल रीति से देखता है ये मनुष्य बेटा है, लेकिन मेरे पास आता है तो ये लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है तो उसको लाइट ही दिखाई देती है, मुझे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए और जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेफ्टी देने के लिए हम ये एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा, विश्व किशोर भाऊ बॉम्बे में बीमार थे, उनका कुछ ऑपरेशन होना था, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको इमर्ज करके उनको सकास दी, तो वो सकास के द्वारा बाहू को थोड़ा कंफर्ट लगा, जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो अनेक आत्माओं को हम ऐसा योगदान दे सकते हैं, ऐसा सेफ्टी के लिए सकास दे सकते हैं, तो ये भी सेवा हमने बहुत करना है। ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी आगे चलकर बहुत ऐसे समस्या आने वाली है, और बड़े बड़े अर्थक्वेक, बड़े बड़े सुनामी, बहुत अच्छी होलसेल मौतें होने वाली है, ऐसी बातें आने वाली है। अभी देखो अमेरिका में 1 लाख लोग मर गए, ऐसे मर गए, अचानक मर गए इसके द्वारा, 1-2 मास में। ये आत्माएं कहाँ जाती है, इनको कोई शरीर थोड़ी मिलता है जल्दी, ये तो भटकती रहती है, तो इनको शांति की आवश्यकता होती है। तो एक उदाहरण में देता हूं, 85 की बात है, मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, उस समय 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में मधुबन में ओम शांति भवन में मोहिनी दीदी भोग लगा रही थी, तो वो दीदी बता रही थी बाबा ने इतना दर्दनाक सीन दिखाया जो मैं देख नहीं सकती थी। बाबा ने एक पहाड़ी पर जिन्होंने शरीर छोड़ा था उनको इमर्ज किया, और एक तरफ बीके भाई बहनों का ग्रुप को इमर्ज किया। बाबा ने कहा अपने लिए नहीं, लेकिन ऐसी जो अकाले मृत्यु वाली आत्माएं हैं जो बहुत अशांत, आप सोचो तो सही, जबरदस्ती प्रॉपर्टी छीनी गई, जबरदस्ती शरीर छीना गया, जबरदस्ती संबंधियों से दूर किया गया, कितनी अशांत आत्माएं होगी। ऐसी आत्माओं को शांति शक्ति देना ये आपका काम है। शांति कहाँ मिलती है, शांति देवता कौन है, आपको बाबा से लेकर उनको देना है। तो ऐसी आत्माओं की सेवा करेंगे तो आपको बहुत दुआएं मिलती जाएगी और बहुत सुकून मिलता जाएगा। तो ऐसी सेवा हमें बहुत करनी है। इसलिए टीचर जो भी समर्पित है, भाई बहने हो, उनके पास ये मनसा सेवा का साधन होना जरूरी है। साधना कैसे भी करना हो, मुझे ये करना है। तो मैं एक बार 93 में विदेश गया था, 9 कंट्री यूरोप में और 2 कंट्री अफ्रीका में गया था। उस समय की एक अनुभव सुनाता हूँ। पहली बार मैं विदेश सेवा पर गया था, दादी ने पहले 92 में कृष्ण सूरज भाई को भेजा, 93 में मुझे भेजा, लो ये टिकट और जाओ तुम सेवा करके आओ। ठीक है भाई, अब उस समय इतना मुझे अनुभव नहीं हुआ था, मुझे विदेश में इंग्लिश बोलना तो आता था लेकिन सफलतापूर्वक सेवा करे कैसे वो थोड़ा प्रश्न था। तो स्वीडन में जब गया तो उन्होंने इतनी पब्लिसिटी किया और पब्लिसिटी में 250 क्रीम आत्माओं को, एकदम VVIP को उन्होंने एकत्रित किया। तो
मैं 1.5 घंटे का प्रवचन था, मेरा प्रोग्राम था, तो मैं इंग्लिश में बोलता था, वहां की बहन स्वीडिश में बोलती थी। लेकिन मैं जब भाषण करता था उस समय बाबा से सकास लेता था और सारी ऑडियंस में उसको फैलाता था। शांति की बातें करता तो शांति के वाइब्रेशन फैलाता था, शक्ति की बातें करता तो शक्ति के वाइब्रेशन फैलाता था, गुप्त ही गुप्त, क्योंकि वो बहन ट्रांसलेट करती थी, उसमें पॉज मेरे को मिलता था थोड़ा कुछ सेकंड का, तो उसमें अंदर ही अंदर अभ्यास करता था। तो जब वो प्रोग्राम के बाद टोली लेने के लिए आ रहे थे लाइन में, तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे, आपके ब्रुकुटी में हमने एक चमकता हुआ स्टार देखा, आपके सिर के तरफ एक औरा देखा, आपका फरिश्ता स्वरूप देखा। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, साधारण आदमी हूं, लेकिन बाबा की याद में रहकर बोलना, योग के वाइब्रेशन फैलाना, ये मनसा सेवा का प्रयोग मैं गुप्त ही गुप्त करता था। तो ट्रिप पूरी होने के बाद बाबा का सीजन चल रहा था या शुरू हो रहा था, तो मैंने दादी को कहा, दादी मैं बाबा को 2 मिनट मिलूं। दादी ने, मोहिनी दीदी ने छुट्टी दिया, तो बाबा से पर्सनली मिल रहा था ओम शांति भवन के स्टेज पर। तो बाबा ने कहा, बच्चे बहुत अच्छी सेवा करके आए हो, जमा का खाता बढ़ाकर आए हो, मनसा सेवा में सफलता मिली और मिलती रहेगी। ये जब वरदान बाबा ने मुझे दिया, तो मुझे अंदर से लगा, बाबा थैंक यू, मैं कुछ मनसा सेवा के द्वारा सेवा कर सकता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा कहने का मतलब है ये भाव बताने का। तो अभी हमें आगे चलकर मनसा सेवा, बेहद की सेवा, विश्व की सेवा, होलसेल बिजनेस करने का साधन अभी जुटाना है। कोरोना काल में देखो, दादियों को 14 साल तक बाबा ने, हाँ बोलना चाहते हैं कोई दीदी? दादियों को 14 साल तक लॉकडाउन में ही रखा था बाबा ने, कोई बाहर नहीं निकलता था, बाहर निकलते थे तो शिशोर में जाते थे और चले जाते थे और अपने ही मकानों में रहते थे। लेकिन उन्होंने 14 साल में इतनी तपस्या की, आत्मा का पाठ और स्वमान का पाठ बहुत बाबा ने पक्का कराया। उसके बाद माउंट आबू में आए तो शिव बाबा का परिचय भी अच्छी तरह से उनको हुआ, और जो वो भट्टी में पक गई ना, उनको बाबा ने सेवा पर भेजा। और आज देखो हमारी दादिया सब तरफ जाकर इस झाड़ कितना फल गया, और उस भट्टी में जो नहीं पके वो फिर साधारण रहे। तो ये बाबा ने हमें कोरोना काल में भट्टी करके पकाने का खुद को चांस दिया है, ताकि हमें आगे बाह्यत की सेवा बहुत करना है। बाबा चाहते हैं, बाबा समझते हैं अच्छी तरह से। इसलिए मैं तो एक दिन अहमदाबाद गया था, लोटस गया था, एक ही दिन सवेरे गया और रात को रहा भी नहीं, रात को निकल गया। शारदा दीदी को पता है, अपनी भारती दीदी को पता है, केवल एक दिन के लिए आया था। दोपहर को गया और शाम को, रात को निकला और यहाँ 12-1 बजे पहुंचा। मुझे लोगों ने कहा तुमको क्वारंटाइन में रहना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बट्टी का चांस हमें मिला है, क्योंकि ये होने वाला है, लॉकडाउन खुलने वाला है, ये तो मुझे पता ही था। तो मैंने सोचा था मधुबन में जाकर या शांतिवन में मुझे योग की भर्ती करना है। अब लॉक मैं जो क्वारंटाइन में रखा तो 14 दिन मुझे कमरे में ही रहना पड़ा। किशोर भाई मेरे साथ रहता है, वो कहीं और गया दूसरी जगह रहने के लिए, तो मेरे कमरे में ही रहना, खाना बाहर बाथरूम है, सब कुछ है। तो इतना 14 दिन मैंने अभ्यास किया, इतना मजा आया, बैठकर एकांत में आनंद लेके स्थिति को बहुत पक्का किया, तो वो मुझे बहुत ही एक जैसे वरदान साबित हो गए। निमित्त कारण बना जाने का, लेकिन यहां आकर सामने से बाबा ने मुझे चांद दिया और उसका आनंद मैंने लिया, फायदा लिया, तो उससे मेरा बल बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया। तो ये भी अनुभव की बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी सब दीदी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी, तो कोई प्रश्न हो तो आप बताएंगे, कुछ हो तो
नहीं तो आप जैसे कहेंगे। हाँ दीदी बोलो। हाँ जी, मनसा सेवा करते हैं तो वो मनसा सेवा वहां उस व्यक्ति को पहुंचती है, उसका क्या प्रमाण है या प्रूफ है, ऐसा दीदी का प्रश्न है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें थोड़ा सा क्यों ऐसा लगता है, जब तक हमारा मनसा सेवा का साधन पावरफुल नहीं होता है ना, तब तक थोड़ा हमें से ये हमें मन में डाउट आता है, लेकिन पावरफुल जब होता है तो सामने से एकदम हमें स्पष्ट उधर से रिस्पांस आता है कि हमें कोई सहयोग दे रहे थे, आप दे रहे थे, उसके द्वारा हमें बहुत कंफर्ट मिल गया है, ऐसा वो सामने वाले कहते हैं। अभी जैसे कि मैं अभी एक हफ्ते की पुरानी बात है, एक हफ्ते की पुरानी बात है, दिल्ली से एक माता का मुझे फोन आया कि भाई जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे तुमने कुछ बोला है तो मैं योग का अभ्यास करती हूँ, बिंदी समझ कर बिंदी वो कर रही है बिंदी समझ कर, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बेचैन हो रही है, आप मुझे योगदान दो। तो मैंने उनको बाबा के सामने इमर्ज किया, उन्होंने फोटो भेजा था, बाबा के सामने इमर्ज करके बाबा से सकास लेकर पावरफुल मैंने उनको दिया, केवल 5-10 मिनट सवेरे शाम। तो तीसरे दिन उनका फोन आया, भाई साहब आपके कारण मुझे बहुत ये मिली, लाइटनेस अनुभव हुआ, खुशी मिली। तो ऐसा सामने से भी हमें रिस्पांस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टुक टुक आवाज आ रहा है, टुक टुक आ रहा है। तो ऐसा ऐसा दीदी हमको महसूस भी होता है और सामने वाले भी लोग हमें अनुभव कराते हैं। कई बार हम किसी को याद करते हैं ना, अचानक वहां का हमें मैसेज आता है, अरे मैं आपको याद ही कर रहा था, क्योंकि ये हमारा जो वॉइसलेस वायरलेस कनेक्शन जो है ना, बाबा के साथ जोड़ के किसी भी आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो उसके पास भी ये ऊर्जा ऑटोमेटिक पहुंचती है। लेकिन कारण इतना ही है, हमको पावरफुल स्थिति बनाकर करना जरूरी है। अब छोटी सी बात है कि 1000 वोल्टेज का बल्ब हम कहाँ लगाएंगे, छोटे कमरे में लगाएंगे, कभी बाथरूम में लगाएंगे, नहीं, हम 1000 वोल्टेज का बल्ब चौराहे पर लगाएंगे और चौराहे पर 1000 लोग उसका फायदा लेंगे। तो ऐसे हमारे आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज इतना बढ़ता है, वो लाइट विश्व की लाइट बनती है, तो अनेक आत्माओं को वो सकास मिलती। जब मैं मधुबन में आया 76 में, तो पता चला कैसे भी कि आत्म प्रकाश पढ़ा लिखा है, तो मैंने दादी को पूछा कि दादी मुझे यहाँ रहना है, तो दादी ने 3 बार मुझे किया मना किया, मैं तुझे यहाँ रखने वाली नहीं हूं। अब संस्था की चीफ बोल रही तो बात तो खत्म ही हो गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना या पढ़ा, ये थोड़ी सीक्रेट बात है, 8 घंटा आपके पास योग का चार्ट है और 90% थॉट लेवल प्योरिटी है, तो आप किसी भी आत्मा का संकल्प पॉजिटिवली परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मैं मधुबन में तो एक साल भी 2-3 मास हो गया था, और बाबा का बच्चा 3 साल का ही था उस समय, नागपुर में रहता था, तो मेरा योग भी इतना पावरफुल नहीं, प्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं। तो मैंने क्या किया, किचन की सेवा सवेरे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बोली दादी के साथ करता था,
लेकिन मैंने रात में जाकर मेहनत करके आत्मा का पाठ पक्का कराया, प्यूरिटी को मेंटेन किया, और फिर बाद में योग के चार्ट पर फोकस किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, एकदम मेहनत करते 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 ये दोनों बातें जब मेरे पास हो गई इकट्ठी, तो मैंने एक दिन सारी रात जाकर दादी पर योग का प्रयोग किया। ये मेरी अपने प्रिंसिप जानने के लिए कि बाबा मुझे सफलता देगा तो अच्छा है। दादी को मैंने राइट हैंड में इमर्ज किया और इधर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं। बाबा से सकास मैं अपने पर लेकर दादी पर डालता था। मैं बाबा को बोला बाबा दादी का संकल्प चेंज करो ना, मुझे छुट्टी नहीं देती रहने की। बस ये संकल्प करके मैंने पूरी रात योग का अभ्यास किया। फिर मैंने सोचा मेरा योग सही होगा तो मुझे सफलता मिलेगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है, जहाँ मंजू बहन बैठते हैं ना, अभी वहां किचन है, किचन था, तो हम सवेरे सवेरे वहां भोजन बनाने के लिए गए। तो दादी अपना लेटर वेटर लिख के किचन के टूर पर आ रही थी, तो आके बाजू में खड़ी हुई और मैं अपनी मस्ती में भोजन बना रहा था, तो आके मेरे पास खड़ी हो गई। तो कहती थी आतम तुम्हें नागपुर जाना नहीं है? तो पहले 2-3 बार मुझे पूछा तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा दादी, मैं यही रहूंगा। लेकिन उस दिन मैं अपनी मस्ती में था, दादी ने कहा आतम तुम नागपुर नहीं जाओगे? मैंने कहा दादी जी जैसे आप कहेंगे वैसे मैं मानूंगा। मेरी मानेगा? हाँ दादी बिल्कुल मानेगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी मानती हूँ, तुम यहाँ रह जाओ। तालियां तो बजाओ भाई मेरे लिए। मैं अभी अमेरिका के वीजा के लिए 2016 में गया था, एम्बेसी में गया था दिल्ली में। तो वहां एक लेडीज थी, फिलिपिन टाइप लग रही थी वो, तो मुझसे बहुत प्रश्न पूछ रही थी। तो मैंने बाबा को कहा बाबा, वो पूछ रही थी और मैं बाबा को कहा बाबा इसकी बुद्धि में बैठ जाओ ना, इसकी बुद्धि घुमा दो इसको, आप तो बुद्धि की दिव्य बुद्धि विधाता है दाता है। तो बुद्धि में ऐसा अंदर ही अंदर प्रयोग करता रहा मैं। फिर बाद में उसने तुरंत कहा ठीक है आप अपना पासपोर्ट छोड़ के जाओ और फिर वीजा लेके जाना। तो कहने का मतलब है मनसा सेवा करना माना भगवान को अपने साथ जोड़ देना, भगवान को उसके उस कार्य में डाल देना। तो प्रकाश मणि दादी जी का एक ही नारा था, करो समस्या मिटे, करो तपस्या मिटे समस्या, करो तपस्या मिटे समस्या। कोई भी समस्या आती है तपस्या करो। तपस्या करना माना सर्वशक्तिवान को उसके बीच में डालना। अब सर्वशक्तिवान जहां होगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सुंदर अनुभव मेरे हैं जो मनसा सेवा में अच्छी अच्छी सफलता मिलती रही, बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो जितना हमारी साधना का ये साधन प्रखर होता है ना, उतना हमें बहुत अच्छे। और मैं 88 में, दीदी एक बात बताता हूँ आपको, 88 में मैं बाबा से मिल रहा था तो बाबा ने मुझे, हम 100 भाई बाबा के साथ में, बाबा के साथ मिल रहे थे ओम शांति भवन के स्टेज पर एक के बाद एक, तो बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल दिया। 4 मिनट का वो वरदान है, आपको तो मैं अभी नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि टाइम भी आपके पास भी नहीं है, जैसा भी 4 मिनट का वरदान है, लेकिन वरदान का एसेंस एक ही था, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। ये ऐसा 4 मिनट का और लंबा है। क्यों मुझे इतना वरदान बाबा ने दिया, क्या? क्योंकि मनसा सेवा का प्रयोग मैं अमृत वेले योगाभ्यास में कर रहा था, क्योंकि 12 साल तक मैंने स्टेज पर बैठकर अमृत वेले का योग कराया। उस समय 45 मिनट में मैं आधा समय बाबा से शक्ति का शावर लेता था, सारे विश्व के ग्लोब पर डालता था, आधा समय शांति का शावर लेता था, शांति का शावर विश्व के 8 ग्लोब पर डालता था, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिलती थी, उसका आधार भी ये बाबा ने इतना वरदान दिया बड़ा। तो मनसा सेवा में हमें सफलता जरूर मिलती है और ये बीच बीच में ऐसे प्रयोग करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है।